दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया में कश्मीर में MiG-21 फाइटर्स को अपग्रेडेड MiG-29 से रिप्लेस किया जा रहा है? देखिए दोस्तों, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से ही हमें अपग्रेड्स की जरूरत थी, बिकॉज MiG-21 आज एक एंटीक मिलिट्री इक्विपमेंट है जो मॉडर्न कैपेबिलिटीज को लैक करता है। साथ ही श्रीनगर कश्मीर रीजन में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, क्योंकि श्रीनगर की एलिवेशन आसपास के माउंटेनियस रीजन से काफी ज्यादा कम है, जिसका मतलब ये है कि नॉर्मल एयर डेंसिटी की वजह से यहां से जेट्स नॉर्मल पेलोड कैरी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, लेह जैसे हाई ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड एयर बेसिस में कम एयर डेंसिटी की वजह से जेट्स सिर्फ हाफ पेलोड कैरी कर सकते हैं, और इसलिए दोस्तों श्रीनगर एयरबेस दोनों LAC एंड LOC को डिफेंड करने के लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ ही MiG-21 के कंपैरिजन में ज्यादा पेलोड कैरी कर सकता है। साथ ही MiG-29 लॉन्ग रेंज मिसाइल से भी इक्विप्ड है। तो दोस्तों, क्या हमें MiG-29 के अलावा दूसरे जेट्स को भी यहां डिप्लॉय करना चाहिए? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।